जापान, पापुआ न्यू गिनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और फिर यूएई। देश बदले लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत का तरीका नहीं बदला। दुनिया में यूएई के प्रोटोकॉल बेहद सख्त माने जाते हैं, वहां के नियम कानून भी बेहद सख्त माने जाते हैं, लेकिन यूएई के प्रिंस ने सारे प्रोटोकॉल किनारे रखकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। शाही वेजिटेरियन खाना बनवाया गया। बुर्ज खलीफा पर मोदी के लिए वेलकम नोट लिखा गया। लेकिन इन सबके बाद भी जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है फ्रेंडशिप बैंड। यूएई के प्रिंस ने प्रधानमंत्री मोदी की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और खुद भी पहना। आज इसी फ्रेंडशिप बैंड के मायनों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है। इस दोस्ती को मजबूती देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई है। अपने फ्रांस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर सीधे अबू धाबी पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्वागत के लिए यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने मुझे जो सम्मान दिया, एक भाई का अपने भाई से मिलना, इससे आत्मीयता का कोई सबूत नहीं है। हर भारतीय आपको एक सच्चे दोस्त के रूप में देखता है। भारत के लिहाज से दौरा बेहद अहम था, क्योंकि यहां कई मुद्दों पर समझौता भी होना था। प्रधानमंत्री मोदी और अल नहयान की मौजूदगी में भारत और यूएई के अधिकारियों ने कई एमओयू का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के बीच एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करने पर समझौते भी हुए। यहां भारत और यूएई के बीच भुगतान को आसान बनाने के लिए बड़ा समझौता किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को मजबूत करने, उनके भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए दो समझौतों पर साइन किए। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास और यूएई के सेंट्रल बैंक के गवर्नर एचई खालिद मोहम्मद बलामा ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों देश अपने संबंधित कार्ड स्विच को रुपए स्विच और यूएई स्विच के साथ जोड़ने पर भी सहमत हुए। इस तरह रुपये और यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण में एक नई उपलब्धि जुड़ चुकी है। साथ ही अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस भी खोले जाने को लेकर सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई पहल कर रहे हैं। दोनों देशों के संबंध पहले से काफी बेहतर हुए हैं। पांचवी बार संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे मोदी। गौरतलब है कि ये प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की पांचवी यात्रा है। उन्होंने इससे पहले 2015, 2018, 2019 और 2022 में इस अरब देश की यात्रा की थी। अबू धाबी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी खुद यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने की। प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे पर औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस शानदार स्वागत के लिए आभार प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का आभारी हूँ। अब प्रधानमंत्री के स्वागत का एक और नजारा देखिए बुर्ज खलीफा से। बुर्ज खलीफा से दिया तिरंगे को सम्मान। ऐसा बहुत कम बार देखा जाता है कि जबकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से सम्मान दिया जाता है, और ये सम्मान दिया गया है भारत के तिरंगे और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी को। बुर्ज खलीफा तिरंगे से बुर्ज खलीफा जगमगाती दिखी। बुर्ज खलीफा पर पहले तिरंगे को प्रदर्शित किया गया, फिर नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई गई और फिर वेलकम नोट फ्लैश किया गया। जिस तरीके से इस दौरे पर मोदी का स्वागत किया गया, उसका अंदाज बिल्कुल जुदा था। जिस तरीके से हिंदुस्तान का कद दुनिया में बढ़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि भारत जल्द ही विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है। आप मोदी के इस दौरे पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।